আদা নেই ও কইতে একবার ঈশানে ভেঙে পুরা দেশ আজ ইয়োগমে লড়াই দে রহা হ্যায় আজ পুরা দেশ জওয়ান হো রহা হ্যায় পুরা দেশ নিরোগ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কি তরফ বড় রহা হ্যায় আজ ইসি অভিযান কে অন্তর্গত বিহার প্রান্ত কে ভোজপুর জিলে কে গড়হানি প্রখণ্ড কে বলিগাঁও পঞ্চায়েত স্থিত ডিহরি গাঁও কে ঐতিহাসিক সভা স্থল পর হম সভি 5 দিবসীয় যোগ শিবির কে চৌথে দিন পুরে গাঁও বাসী জিসমে ছোটে ছোটে বচ্চে মাতায়ে বহনে আর পিতা তুল্য বুজুর্গ সভি নৌজওয়ান ভাই বহনো কো মে ডক্টর ব্রিজমোহন যোগ প্রচারক পতঞ্জলি যোগ পীঠ হটবার আপ সবকা হার্দিক অভিনন্দন স্বাগত করতা হুঁ। ये 5 দিবসীয় योग शिविर के कार्यक्रम के आयोजक हमारे बीच बैठे, जिस प्रकार से गंगा को शंकर की जटाओं से तपोनिष्ठ भगीरथ ने प्रयास करके, जिसे आजकल हम लोग भगीरथ प्रयास करते हैं, जो असंभव को संभव करता है उसकी तुलना हम लोग भगीरथी से करते हैं कि भगीरथ प्रयास करके इस कार्यक्रम को पूरा किया। तो ऐसे भगीरथ प्रयास करके आदरणीय हमारे बीच बैठे हैं दिनेश सिंह जी, जिन्होंने कई वर्षों से मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग बना रहे थे योजना कि डिहरी गांव में कार्यक्रम 5 दिनों का हो। और मैं एक बार आप सबके तरफ से आदरणीय दिनेश सिंह जी को करतल ध्वनियों से स्वागत करते हुए, ऐसे व्यक्तित्व यदि हर गांव में एक-एक हो जाए तो हर गांव में योग दिवस का योग शिविर का आयोजन होने लगे और हम सभी निःशुल्क रूप से ऐसे विराट कार्यक्रम को हम अपने जीवन में, हम अपने क्षण क्षण में, पल पल में अवतरित कर सकते हैं। तो आइए आज हम सभी सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शरीर के एक एक जोड़ों को कैसे निरोग बनाए, जिसमें घुटने का दर्द हो, तलवे का दर्द हो, इसके बाद कमर का दर्द हो, साइटिका हो, गठिया हो, सर्वाइकल स्पोनिलाइटिस हो, आंखों की समस्याएं हो, माथा दर्द हो, माइग्रेन हो, आपके रीढ़ की समस्याएं हो, किसी भी जोड़ों का दर्द, हम यदि नियमित अभ्यास करें सूक्ष्म व्यायाम का तो जीवन में कभी हो नहीं सकता है। और कुछ दर्द का तो दुनिया में कोई दवाई नहीं है। आपके पास जब तक पैसा है तब तक एक्सरे करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, पेन किलर खाएंगे, दर्द निवारक दवाई गोलियां खाएंगे, और जब पैसा खत्म हो जाएगा, डॉक्टर समझ जाएंगे कि अब मरीज के पास विशेष कुछ बचा नहीं है, तो आपको बोलेगा कि आप नाम कटवा लीजिए और घर ले जाइए, और इनको रामदेव बाबा का कुछ चेला मिले तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवा के, कुछ योगाभ्यास करवा के, और इनको सुख चैन की नींद आने दीजिए। तो आइए अब हम सभी धीरे धीरे पैरों को खोल लेते हैं। ये हो गया दंडासन, दोनों हथेली को कमर के साथ लगा करके, और एक बार शरीर को इस पर भार देके उठा के देख लेते, पूरा सटा हुआ रहे, शरीर सीधा आपका। अब पैर की अंगुली के जोड़ों से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे पूरा। अब सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को मोड़ेंगे धीरे धीरे। ये पैर आपका खड़ा रहेगा पूरा तलवा, केवल सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को मोड़ना, फिर सांसों को भरते हुए पैर की अंगुलियों को सीधा करना। ये 2 बार 3 बार आपका होगा। अब दूसरा अभ्यास, सांसों को भरते हुए पूरे तलवे को अपनी तरफ और सांसों को छोड़ते हुए पूरे पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं 5-7 बार का। तो आइए पूरा लंबा गहरा सांस भरिए और पूरे तलवे को आगे ले जाइए। तो आगे ऊपर का नस खींच रहा है और अपनी तरफ लाएंगे तो नीचे का नस खींच रहा है। अब ये गठिया नहीं होगा, सैटिका नहीं होगा, क-
कमर दर्द नहीं होने देगा, जीवन में लकवा भी कभी नहीं लग सकता, इतना है इसमें जबरदस्त ताकत। सांसों में सब बसा हुआ है, जितना सांस भरेंगे और ये अभ्यास करेंगे तो उतना ही लाभ आपको मिलना तय है। अब दूसरे अभ्यास को गोल गोल पैरों को घुमाते हैं बाएं से दाएं की तरफ और फिर दाएं से बाएं की तरफ, दोनों तरफ से घुमा लिया और लंबा लंबा सांस भर, सांस भर रहे हैं आप लोग, सांस से पता चले इसमें भुकारी नहीं भरना है कि हाँ ऐसे भरिए, पता चले कि हम लोग सभी जिंदा है। सांस रुक जाए तो कोई हम लोग यहाँ से घर ले जाएगा, बोलिए, यही जुगाड़ करेगा और यहीं से सीधे यात्रा तय कराएगा, इसलिए हम सब घर जाना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो लंबा लंबा सांस लेना सीखना पड़ेगा। अब दूसरा अभ्यास करते हैं, पैरों को सांस भर के घुटने को उठाना और सांसों को छोड़ते हुए घुटने को जमीन पर ले आना, एड़ी आपका वहीं रहेगा। चलिए फिर इसके बाद अगला अभ्यास करते हैं, ये दोनों घुटना का जो ऊपर होता है चक्र, इसको खींचते हैं सांसों के द्वारा ऐसे, पूरा सांस भर भर के खींचना छोड़ना हो रहा है ना, ये 8 बार 10 बार 20 बार रोज कर लें आप। अब दूसरा अभ्यास, सांसों को भरते हुए पैर को मोड़ना दाहिना, सांसों को छोड़ते हुए आगे ले जाना, फिर सांसों को भरते हुए बाएं पैर को मोड़ना, सांसों को छोड़ते हुए फिर आगे ले जाना। तो आइए हाँ उठा करके लाते हैं, एक तो तिरपाल मिलता नहीं है जल्दी कुछ, क्या जब दे नहीं रहा है तो फट जाएगा, अब रगड़ देंगे तो फिर मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसे वो हमें लाभ भी कम देगा और ऐसे ये भी ना 10 से 20 बार कर ले। फिर अगला अभ्यास, दोनों हाथ को घुटने के नीचे लगाते हैं और यहां लाते हैं, अब इसको ऊपर उठा करके सांसों को छोड़ते हुए आगे ले जाना, भरते हुए पीछे लाना ऐसे, और ये आपका घुटना सीने में सट रहा है ऐसे सटाइए, और ये पूरा वृत्त बनाते हैं गोल गोल, फिर इसको उल्टा कर लिए ऐसे, फिर दूसरे पैरों से भी, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, पूरा सांस भरिए, उल्टा आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं साथ ऐसे, फिर उल्टा कर लीजिए ऐसे, वह आप दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रख लिया, अब सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पूरा सटाई जिनको नहीं सटे तो दोनों हाथ लगा करके हाथ सटा सकते हैं, फिर ऐसे नीचे ले जाते हैं, शरीर सीधा रहे केवल घुटना ऊपर नीचे करना है, फिर थोड़ा एड़ी आगे ले जाकर के इसको भी गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं धीरे धीरे, साथ ये सूक्ष्म व्यायाम जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही लाभ ज्यादा होता है इसका। तो ये अभ्यास, फिर इसको गोल गोल घुमाया, सांस भरिए, सांस भूल जाते हैं आप लोग, नहीं ये अभ्यास करने के चक्कर में, उसके अनुसार सांस लेना है, जैसे इसको घुमाते हैं तो सांस को यहां तक लिया फिर सांसों को छोड़ दिया,
फिर दूसरे पैसे भी कर लिया ऐसे। चिरौटी अब हटा दीजिए, चार दिन हो चुका है। दीजिए वो दूसरे आदमी को फेंक देना चाहिए था। हाँ ये तो चार दिनों से संकल्प चल रहा है, सब पे संकल्प ले रखा है, कम से कम खैनी तो छूट जाए क्या। चलिए गोल गोल घुमाते हैं ऐसे धीरे धीरे, लगता है ना कि अमृत है क्या। ऐसे फिर घुमा लिया, अब आते हैं बटरफ्लाई करते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में लड़ाते हैं, अब ये दोनों एड़ी को सटाते हैं जांघ में, आगे से ग्रिप लगा करके, ये केहुनी को पंजरे में लगाया, सीने को बाहर निकाल दिया ऐसे। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए पैर ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए पैर को नीचे करते हैं धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे इसको करिए, थोड़ा इसको और गिराइए माता जी ऐसे घुटना को, ये वाला। हाँ ऐसे धीरे धीरे गिरेगा, बहुत अच्छा अभ्यास करिए धीरे धीरे। ये अभ्यास इतना बढ़िया अभ्यास है कि ये आपके कमर दर्द से लेकर के, आपके घुटना दर्द से लेकर के, गठिया साइटिका से लेकर के, और बाजुओं में ताकत से लेकर के हृदय को भी मजबूत करने वाला यह अभ्यास है। और जो गर्भवती माँ बहने हैं सातवें महीने से नौवें महीने तक अभ्यास करें तो 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, और हम अस्पताल के चक्कर से या हम ऑपरेशन के जो गलत अभी चक्कर चल रहे हैं अस्पतालों में उससे हम बच सकते हैं। और जो अकाल मृत्यु हो जाता है माँ बहनों का ऑपरेशन के चक्कर में, वैसे हम स्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं केवल इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से। तो आइए आप पैरों को सीधा किया, अब हाथों को आगे कर लीजिए, अब आइए हाथों के अभ्यास से सूक्ष्म व्यायाम को और गति देते हैं। हाथ सीधा कर लिया, सांस को भरा, और भरते समय पूरे पंजे को खोला ऐसे, और सांसों को छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ने लगा ऐसे, जैसे कोई लोटा पकड़ते, मुट्ठी नहीं बांधना वैसे, जैसे कोई पंछी डाल को ऐसे पकड़ ले ऐसे उस तरीके से। अब ये दो बार तीन बार अभ्यास कर लें ऐसे, जोर लगा के, ऐसा लगे ना कि मैं 30 किलो का वजन इसमें टांग के रखा हूँ, क्रेन जैसा महसूस करेंगे नहीं। ये पता ऐसे ऐसे मोड़ना, ये पता है कि वजन को पकड़ के मोड़ना ताकि वो गिरे नहीं। फिर अंगूठा अंदर ले गया, चारों उंगली को ऊपर से कर रहे हैं।
तो ऐसा लगे कि मंदिर की आरती उतार रहे हैं भगवान की, बस इसी के द्वारा। हाँ बहुत बढ़िया है यार, अब आइए करते हैं। अब हाथों में ग्रिप लगा करके और माथे पे रखा, सांस भरा, फिर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, चारों तरफ धान के खेत है, नीम के पेड़ है, शीशम के पेड़ है, इन सारे बहुत रमणीय स्थल पर ये अभ्यास चल रहा है। और प्रदूषण मुक्त इलाका दोनों तरफ से बहुत अच्छा अभ्यास। अब दोनों हाथ को रखते हैं यहाँ पर, अब हलाया सांस को भरते हुए, ये तो सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस की करते रहिए। जिनको गर्दन में दर्द हो जाता है, जिनको गर्दन घूमता नहीं बाएं दाएं, या गर्दन में एक देखते हैं ना ऐसे बेल्ट लगा लेते हैं, वो तो ना 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है केवल ये अभ्यास के द्वारा। ये जो मैं करा रहा हूँ ऐसे घुमा घुमा करके, आगे से ना 5-10 बार करिए पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। हे परमात्मा, यह जीवन अब मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, ऐसे फिर उल्टा करिए ऐसे। बहुत अच्छा अभ्यास। अब दोनों हाथ को घुटने पिलाते हैं, अब ऐसे ये हम लोग ठीक ठाक है तो अपने से कर ले पा रहे हैं, नहीं किसी को लकवा लग गया तो दूसरा ये बरियारी करता है, ये करता है भाड़ा पे रखता है डॉक्टर एक फिजियोथेरेपिस्ट, अब तो अपने से होगा नहीं। अब वो बरियारी ना हाथ पैर पकड़ के ऐसे कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे ऐसे, आपका ना हाथ भी ऐसे ऐसे कर रहा है जबरदस्ती। इसलिए ईश्वर ना करे कि कोई दूसरा हाथ हमको पकड़ पकड़ के हिलाए डुलाए, हम लोग ऐसे स्वस्थ रहे कि जीवन भर ये सारे अभ्यास स्वयं करते रहे और कभी नौबत ना लगे लकवा लगने का या इस तरह की कोई समस्याओं को हमारे साथ जुड़ने का। अब अगला अभ्यास करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर रख लिए, अब पूरा सांस भरिए, बहुत अच्छा अभ्यास। सांस भर के हाथ को माथे की तरफ, माथा को हाथ की तरफ, ये माइग्रेन के लिए भी, अनिद्रा के लिए भी, और ये सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस के लिए भी, और माथा जिनको मिर्गी है या माथे में किसी प्रकार का संतुलन है उसके लिए भी बहुत जबरदस्त अभ्यास है। तो आइए फिर नीचे से फिर दाएं तरफ से एक बार, बायां हाथ घुटने पर, दायां ललाट पर, फिर दाहिना नीचे बाएं तरफ से, बहुत अच्छा अभ्यास। एक बार पीछे से किया, एक बार आगे से किया, आप अगला अभ्यास करेंगे हम लोग गर्दन का। ये अभ्यास करेंगे गर्दन का, तो आइए आज हम सभी सूक्ष्म व्यायाम के इस विराट अनुभव को जीवन में धारण करते हुए उसके लाभ का अनुभव प्राप्त करते हुए अब गर्दन के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं। अब सांस को छोड़ती आगे ले गए, सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लाया, फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे लाया। इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे जितना आपसे हो सके उतना ही करेंगे। फिर सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ, फिर सांस भरा, सांसों को छोड़ते हुए बाईं तरफ। आप ये दो दो बार, तीन तीन बार दोनों तरफ से ऐसा कर सकते हैं। आप सांस भरा छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ से घुमा करके पीठ की तरफ देखने का अभ्यास,
बहुत अच्छा। फिर सांस भरा छोड़ते हुए बाएं तरफ से भी अभ्यास कर लीजिए, दोनों तरफ से दो दो बार। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। अब ये गोल गोल घुमाते हैं ऐसे गर्दन को, ये ब्रह्म मुद्रा का भाव कि हे परमात्मा मेरे गर्दन में कभी किसी प्रकार की दर्द ना हो, मैं सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस जैसे अति कष्टकारी बीमारी से कभी ग्रसित ना हो। इसको उल्टा भी कर ले ऐसे, मन ही मन ओम भर्गवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे 5-7 बार कर लीजिए अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास। अब आते हैं आंखों का करते हैं। अब आंख को ऊपर करते हैं सांस भरते हुए सीधे, गर्दन सीधा, आंख ऊपर, ये आंख का अभ्यास। आंख बहुत ही कोमल है, अभी नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है पूरे भारत सरकार के तत्वाधान में, पूरे हिंदुस्तान में, कारण कि लाखों करोड़ों में ऐसे भाई हैं जिनके आंख खत्म हो चुके हैं और उनको आंख की आवश्यकता है। तो यदि कोई दान करे, जैसे खून तो बन नहीं सकता है, तो जो रक्त दान करता है या नेत्र दान करता है उससे बड़ा दान धरती पे कोई नहीं है। मेरे अंग दूसरों के माध्यम से वो देख रहा है, जैसे मैं चला जाऊं और मेरे आंखों के द्वारा कोई अंधा देखे अपने जीवन भर, तो ये कितना आनंद का विषय है। तो नेत्रदान मरणोपरांत नेत्रदान होता है, यानी एक शपथ पत्र होता है उसमें नेत्रदान का संकल्प लेते हैं। मैं भी नेत्रदान कर चुका हूँ 10-12 साल पहले, मैं पूरे परिवार के साथ कर चुका हूँ। तो उसमें एक संकल्प पत्र होता है जिसमें हस्ताक्षर कर लेते हैं और एक कार्ड मिल जाता है आपका। तो बाद में मरने के बाद यदि फोन करेंगे तो उसमें कुछ घंटे के अंतराल पर यदि आकर के आई बैंक वाले यदि निकाल करके ले जाते हैं तो दूसरों को काम आ सकता है। तो ऐसा हम लोग संकल्प भी लेंगे नेत्रदान का, कभी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो मैं आप सबको मैं दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ा अभियान है। तो आइए आँख को ऊपर, आँखों को नीचे, आँखों को ऊपर, आँखों को नीचे, फिर हाथों को खोल लीजिए, अंगूठा को खड़ा कर लीजिए, गर्दन सीधा। अब आंख को दाएं तरफ घुमाइए, गर्दन सीधा रहते हुए अंगूठा को देखिए। आप पीछे भी कर सकते हैं दोनों हाथों को ज़्यादा तिरछा देखने के लिए, फिर बाएं तरफ गर्दन नहीं घुमाना है, गर्दन सीधा केवल आंख के अंदर के भाग से अंगूठा को देखिए। आंखों में हल्का खिंचाव सा महसूस होगा। तो ये जीवन भर बचपन से यदि कोई करे तो मोतिया बिंद ना हो, आंखों की रोशनी, जिनको चश्मा चढ़ाए चश्मा उतर जाता है और जिनका नस सूखने लगता है आंखों का, वो सब जागृत होने लगते हैं। हाथों को घुटने पर रखते हैं, अब आंखों को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उल्टा को थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लिया हल्का। अभी हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम का आनंद लिया, लगभग पूरा सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताया, हुआ कि नहीं? ऐसा यदि 10 मिनट कर ले तो कोई बीमार होगी बताइए? शरीर हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब लग रहा है कितना जोश हो गया, यानी बैटरी जब इसमें यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होता है। अब उसको चार्ज नहीं करेंगे तो कितना देर उसका आनंद लेंगे? लेंगे, देखने से तो बैटरी है, सब कुछ उसमें रहेगा, चिमटा खूटी सब रहेगा, पानी बोतल सब रहेगा, लेकिन वो काम लायक नहीं रहेगा। तो हम लोग भी ऐसे ना बैटरी का खोखा रहेंगे, अब इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इससे इससे ना मसाला पीसेंगे, ना इसे खेती करेंगे, ना इसे पोछा लगा सकेंगे। जब कोई पूछे कहा करी मन है आज थोड़ा सा थाकर, यानी बैटरी रिचार्ज हमारा, इसलिए रिचार्ज करेंगे सांसों के द्वारा। तो आइए